भी कीमत पे मोदी नहीं, बीजेपी से भी कोई परहेज नहीं है। मोदी एक डेंजरस आदमी है, और कई दिन से आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि अगर मोदी इस बार चुनाव जीता तो उसकी योजना क्या है। नरेंद्र मोदी चुनाव जीतेगा तो 4 साल प्रधानमंत्री रहेगा, 4 साल के बाद यहां भारत में अमेरिकन डेमोक्रेसी लागू कर देगा। अमेरिकन डेमोक्रेसी लागू करने का अर्थ ये हो गया कि चौथे साल वो अपने आप को राष्ट्रपति डिक्लेयर कर देगा, चौथे साल खुद को प्रेसिडेंट बना देगा और डेमोक्रेसी अमेरिकन डेमोक्रेसी लागू कर देगा। तो उससे क्या होगा कि फिर दो पार्टियां बस रहेंगी और सारी पार्टियों खत्म हो जाएंगी, और दो पार्टियों के बीच चुनाव हुआ करेगा, सिर्फ दो पार्टियों के बीच चुनाव होगा, उसके बाद चुनाव उसके अलावा चुनाव नहीं होगा। और जो सबसे शीर्ष पर जाएगा वो अमेरिका की तरह कोई ना कोई एक राष्ट्रपति बनेगा, दोनों में से एक। वहां की सेनेटिंग सिस्टम, वहां की अमेरिकन डेमोक्रेसी जो है उसको आप पढ़ लीजिएगा, वो उसे डेमोक्रेसी कम, तो डेमोक्रेसी नहीं करना चाहिए, उसे डेमोक्रेसी कम, वो हिटलर सा ही है। और आपको पता ही होगा वैसे भी कि अमेरिका इज ए बास्टर्ड कंट्री। अब ये शब्द गलत इसे अर्थों में मत लीजिएगा, बास्टर्ड कंट्री का मतलब होता है, अमेरिका को बास्टर्ड कंट्री क्यों करते हैं, उसका कारण राजीव भाई बहुत पहले आप लोगों को बता चुके हैं कि अमेरिका में जितने ओरिजिनल अमेरिकन थे उनको रेड इंडियन कहा जाता था। वंस अपॉन इन टाइम, हजारों हजार साल पहले भारत के ही लोग जाकर के वहां बसे थे और वहां के कल्चर, वहां की सभ्यता और वहां के कलर के हो गए थे, तो उनको कहते थे रेड इंडियन, और वो अमेरिका के मूल निवासी थे। बाद में क्या हुआ कि वहां बाहर से जो लोग आए, बाहर से जो बसने लगे, जैसे आज भारत में कोशिश की जा रही है, भारत में नरेंद्र मोदी की दलाली और नरेंद्र मोदी की गद्दारी से भारत में चीन और अमेरिका अपने वर्चस्व कायम करने में लगा हुआ है। तो जो देश भारत के बाजार पे कब्जा करेगा, अपना वर्चस्व कायम करेगा, वो अपनी संस्कृति सभ्यता लेके आएगा, वो अपने आदमी को भी लेके आएगा, अपने लोगों को भी लेके आएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा कि अमेरिका की तर्ज पे भारत भी बास्टर्ड कंट्री बन जाएगा। बास्टर्ड कंट्री का अर्थ ये है, खैर इतने लोगों को कोई मार डाले और गले से काट के मार देगा अमेरिका की तरह, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन ये है कि दबा दिया जाएगा, आप लोगों को, हमारे हकों को, आपके हकों को सब खत्म कर दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा, आपकी हमारी सुनवाई नहीं होगी। और अमेरिका जिसको चाहेगा या चीन जिसको चाहेगा वही राष्ट्रपति भारत का बनेगा, जैसे आज नरेंद्र मोदी अमेरिका और चीन की दलाली करने के नाते, दलाली के लिए उसको अमेरिका और चीन दलाली कर रहा है, अमेरिका और चीन की दलाली कर रहा है नरेंद्र मोदी, इसके लिए उसे प्रधानमंत्री बनाया भी गया था और उसने साबित भी किया, उसने काम भी किया, उसने काम वही किया जो अमेरिका और चीन चाहता था। तो इस तरह से जो समस्याएं खड़ी हो रही हैं, अगर आज आज जो आप वोट कर रहे हैं, अब उस विषय पर आते हैं, आज जो आप वोट कर रहे हैं, आज छठे चरण की वोटिंग चल रही है दोस्तों, तो आज जो वोट कर रहे हैं ये सिर्फ किसी नेता को चुनने का नहीं है, किसी नेता को आप चुन रहे हैं, किसी पार्टी को आप चुन रहे हैं, ये नहीं है। आज की आपकी वोटिंग ये साबित करेगा, आज की आपकी वोटिंग, आज जो वोट करेंगे वो भविष्य तय करेगा कि अमेरिका भारत और चीन का गुलाम बन के रहेगा या अमेरिका या सॉरी भारत अमेरिका और चीन का गुलाम बन के रहेगा, या भारत स्वतंत्र रहेगा, भारत का लोक अपना लोकतंत्र कायम रहेगा। तो लोकतंत्र जिंदा रखने के लिए मैंने बताया कि ये आदमी 4 साल के बाद अगर गलती से एक्सीडेंटली, ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन गलती से एक्सीडेंटली अगर ये प्राइम मिनिस्टर बन गया पैसे के बल पे लोगों को खरीद के या किसी भी तरह से, तो ये 4 साल के बाद खुद को डेमोक्रेसी डिक्लेयर करके, अमेरिकन डेमोक्रेसी डिक्लेयर करके खुद को राष्ट्रपति घोषित कर देगा।
और जब ये राष्ट्रपति हो जाएगा तो अगले 5 साल बाद फिर से अपने आप को एक बार और राष्ट्रपति घोषित करेगा। ये 10 साल ऐसे निकालेगा, 10 साल अभी और 10 साल 20, तब तक तो मेरे ख्याल से मर जाएगा। और नहीं मरा तो ये क्या करेगा कि ये नियम ला देगा भारत में कि जब तक ये जिएगा तब तक यही राष्ट्रपति रहेगा, तो लोकतंत्र की बात ही खत्म हो जाएगी, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। तो आप जुड़े हुए हैं, आप मेरी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर कर दें। मनोज आर्य जुड़े हैं, कहते हैं कि बकवास कर रहा है। अरे भाई बकवास मत कर बुढ़े। अरे यार ठीक है, लेकिन आप सिर्फ ये तो बताओ बकवास मैंने जो कहा उसका एक शब्द काट दो। चलो मैं अक्सर उसको चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी को कि असल बाप की औलाद है। नरेंद्र मोदी तू अगर असल बाप की औलाद है तो बस एक काम कर, काले धन की लिस्ट जारी कर दे। जो काले धन की लिस्ट लेकर के घूम रहा था 2014 में मंचों से और कह रहा था कि सबको मैं सजा दिलवाऊंगा, अगर नहीं सजा दिलवाया, काला धन नहीं लाया 100 दिन में तो आप मुझे फांसी दे देना, लात मार के निकाल देना वगैरह वगैरह वगैरह, या काला धन आया तो 15-20 लाख लोगों को यूं ही मिल जाएगा। खैर वैसे भी आदमी गद्दार है, जब बोलता है मुंह खोलता है तो झूठ बोलता है। अब अगर उसकी तरह आप भी हो मतलब तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर आप बुद्धिजीवी हो पढ़े लिखे हो तो मेरे एक बात का भी जवाब दो, मैं जो कह रहा हूं ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा उसके सारे प्रमाण मैं दूंगा। नरेंद्र मोदी जो मैं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी ऐसा करेगा, ये बात साक्षी महाराज को टिकट नहीं दिया तो साक्षी महाराज बोलना शुरू किए थे, और ये प्लान तो उसका अब नहीं था, ये प्लान तो पिछली सरकार में ही कर डालता, लेकिन उसके कैबिनेट ने ही उसका साथ नहीं दिया था, उसके सांसदों ने ही उसका साथ नहीं दिया था। ये सच्चाई अगर किसी भारतीय जनता पार्टी के दल्ले के संपर्क में हो तो उस भारतीय जनता पार्टी के दल्ले से पूछ लो, सांसद से पूछ लो कि क्या ये सच है या गलत। ये तो कर चुका होता अगर उसके सांसद उसका साथ दिए होते। तो इस तरह से मित्रों आपको तय करना होगा कि आप किस राह पर चलोगे, देश बचाओगे, देश को संभालोगे, और जो मैं कह रहा हूं उसे आप काट के दिखाओ। अब आप मेरा तर्क ये तर्क नहीं है, नरेंद्र मोदी ने खुद कैबिनेट मीटिंग बुला करके ये ट्राई की, ये लोगों के सामने रखा था जिसमें साक्षी महाराज थे, योगी आदित्यनाथ जी थे, और उनके द्वारा ये बातें बाहर आई थी, वो ऑन रिकॉर्ड, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है उसकी, साक्षी महाराज ने जो कहा था उस समय 2015 में कि नरेंद्र मोदी क्या करना चाहता है। ये तब की बात है जब नरेंद्र मोदी एक ड्रेकोनियन कानून लाने की कोशिश कर रहा था, और भूमि अधिग्रहण कानून, मतलब जमीन किसानों से छीन लो और पूंजीपतियों को दे दो, पूंजीपति खेती करेंगे और बाकी हम आप या हमारे आपके बच्चे मजदूरी करेंगे उस खेत में, उस जमीन में। ये कोशिश कर रहा था उस समय, ये बात चली थी, ये बात सामने आई थी। तो दोस्तों आप लोगों से जो मैंने अनुरोध किया, मुझे उम्मीद है कि आप गंभीरता से इस बात को लोगे, आप इसको समझोगे, और इस दुर्दांत आदमी, इस दुर्दांत दस्यु उसको इसलिए कहता हूं, ये आदमी खतरनाक है, इसमें दया भावना और राष्ट्रीयता राष्ट्रवाद ये कुछ भी नहीं है। ये आदमी, इस आदमी को अगर अमेरिका कहे कि भाई तुझे मैं राष्ट्रपति बना दूंगा भारत का, तो ये आदमी भारत को अमेरिका के हाथों बेच देगा, और वही कर रहा है, आज वही कर रहा है। तो आपसे अनुरोध है कि आप बड़ा सोच समझकर वोट दीजिएगा इस अमेरिकी दलाल को, अमेरिकी और चीन का दलाल इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि
आज भारत पर, भारत के हर बिजनेस पर, भारत के बाजार पर पूरी तरह से अमेरिका और चीन का कब्जा हो चुका है। इसलिए मैं इसे अमेरिकन दलाल कहता हूं, अमेरिकन कुत्ता कहता हूं, चीनी कुत्ता कहता हूं, चीन का कुत्ता। आपने देखा, यहां तक कि चीन के बाजार के हाथों, चीन के हाथों पूरा भारत का बाजार बिका पड़ा है। छोटी छोटी चीजों का विरोध करने वाला यह आदमी आज भारत के पूरे बाजार को चीनी सामान से पाट दिया है। तो दोस्तों, वोट करने से पहले 100 बार सोचना, 1000 बार सोचना, किसी भी कीमत पे इस दलाल को वोट मत देना, इस अमेरिकी दलाल को वोट मत देना, इस चीनी दलाल को वोट मत देना, वरना भारत गुलाम हो जाएगा। और इसके बहुत से प्रमाण इस आदमी ने दिया है, आपने भी देखा है। अब आपकी मर्जी है, आप क्या करोगे वो आप तय करोगे, आप निश्चय लोगे, आप जो करोगे वही होगा, आप जिसको वोट दोगे वही होगा। लेकिन मेरी प्रार्थना है कि इस दल्ले को वोट मत देना, इस दलाल को वोट मत देना। अगर आप समझना चलिए, अगर आप निर्णय ले लिए हैं कि चलो हम मोदी सरकार बनाएंगे तो बनाते रहिए, लेकिन ये आपके विवेक पर निर्णय मैं छोड़ता हूं। और अब मैं इसे ऑफ करूंगा क्योंकि इसमें मेरी गाड़ी में एक ही मोबाइल लगा हुआ है और मैं दूसरी लाइन से मैं मनमोहन मिश्रा के साथ हूं, ऐसा एक हमारा टाइम लाइन है। हम उस पर लाइव पर आ रहे हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।